Hello students, hi, welcome back to my channel Learning with Divya. Hi students, कैसे हैं आप सब? COVID-19 इस समय अपने चरम पर है, आप सब अपना ध्यान रखिए और जो भी guidelines provide की गई हैं आपको administration के through, government के through, उसको please follow कीजिए, अपना ध्यान रखिए, अपनी health का issue, अपनी health का ध्यान रखिए, कोई भी दिक्कत आप लोगों को ना होने पाए, ये मेरी कामना है भगवान से. और अच्छे से अपने आसपास भी ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए. स्टूडेंट्स, काफ़ी टाइम हो गया, बहुत दिनों बाद आज मैं फिर से आपको पढ़ाने के लिए आई हूँ. मेरे खुद बहुत सारे कुछ एग्ज़ाम्स थे, कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट मेरी लाइफ में चल रहा था, जिस वजह से मैं इतने टाइम से आप लोगों से मिल नहीं पाई, आप लोगों से बात नहीं कर पाई, आपको पढ़ा नहीं पाई. चलिए, अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आगे ऐसा ना होने पाए, इतना जो लंबा गैप हुआ है वो नेक्स्ट ना होने पाए. कोई बात नहीं, चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम. स्टूडेंट्स, मैंने आपको बहुत सारे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स पढ़ाए हैं, जिसमें आपने एनीमिया कंट्रोल, डायबिटीज़ कंट्रोल, ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ा. ठीक है, यहाँ पर जो अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम बोलिए या फूड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम्स बोलिए इन्हें आप, पूरक आहार कार्यक्रम, या फिर ये आपके नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स बोले जा सकते हैं, पोषण आहार कार्यक्रम बोल सकते हैं, पूरक आहार कार्यक्रम इन्हें बोल सकते हैं, जो कि आपके नेशनल लेवल पर चल रहे हैं, जिसमें आपके ICDS है. ठीक है, और मिड डे मील प्रोग्राम है जो मैं पढ़ा चुकी हूँ. इसके अलावा आपके ये A.n.p है, बालवाड़ी है, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स आपके फूड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम्स के अंदर भी आते हैं. तो उसमें मैं आपको ICDS पढ़ा चुकी हूँ, मिड डे मील प्रोग्राम पढ़ा चुकी हूँ. आज मैं आपको अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम पढ़ाऊंगी, जो कि इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है आपके स्टूडेंट्स, और ये आपके पूरक आहार कार्यक्रम के या नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स के अंतर्गत आते हैं. अब सबसे पहले तो हम जानेंगे फूड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम क्या है. ठीक है, सप्लीमेंटेशन के मतलब क्या होते हैं? सप्लीमेंटेशन का मतलब जो होता है, जो आप रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, जो डेली का जो आपका दैनिक प्रस्तावित मात्रा है आपके न्यूट्रिएंट्स की, कि आपको कितने लेनी चाहिए और वास्तव में आप कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी और प्रोटीन एक्चुअली सप्लाइड बाय द डाइट, आप जो डाइट ले रहे हैं एक्चुअली में वो आपको कितना एनर्जी और प्रोटीन प्रोवाइड कर रहा है, ये चीज़ इसमें जो है मेजर की जाती है, ऑब्जर्व की जाती है. ठीक है, और ये अंतर कैसे दूर किया जा सकता है? अब जैसे जो आपके लोअर इनकम ग्रुप वाले लोग होते हैं, आपने देखा है कि वो क्या करते हैं, प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं. आप देखिए, हमेशा उनमें ही जो है न्यूट्रिशन, कुपोषण संबंधी बीमारियां अधिकतर पाई जाती हैं. मैं ये नहीं कहती केवल उन्हीं में पाई जाती हैं, लेकिन अधिकतर पाई जाती हैं. क्यों? क्योंकि एक तो उनका इनकम ग्रुप लोअर है, वो प्रॉपर अमाउंट में डाइट ही नहीं ले पाते हैं. इसी वजह से तो ये प्रोग्राम्स मेनली उन लोगों को ध्यान में रखते हुए चलाए जाते हैं. ठीक है, उस ग्रुप की जो लेडीज़ हैं, जो बच्चे हैं, उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती है, तो उनको सप्लीमेंट फूड प्रोवाइड करना, जिससे कि उनकी जो ऊर्जा, प्रोटीन की जो मात्रा है डेली की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रोटीन किसके लिए ज़रूरी है? आपके बॉडी बिल्डिंग के लिए ज़रूरी है, ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, उसको पूरा किया जा सके. एनर्जी तो आपके डेली वर्किंग, जो भी आप वर्क कर रहे हैं, किसी भी तरीके का वर्क कर रहे हैं, उसके लिए ज़रूरी है. ठीक है, तो ये बात रही, इसके लिए ये जो है प्रोग्राम आपके चलाए जाते हैं. तो अब उन्हें हम कैसे दूर कर सकते हैं, उसके लिए हम आज पढ़ेंगे आपके A.n.p में, जिसमें मैं आपको ICDS पढ़ा चुकी हूँ और मिड डे मील पढ़ा चुकी हूँ. एक बात और, इन प्रोग्राम्स में जो ICDS प्रोग्राम है वो एक अकेला ऐसा प्रोग्राम है. ये तो सारे जो प्रोग्राम है ये आपके फूड पर बेस्ड हैं, न्यूट्रिशन पर बेस्ड हैं, लेकिन ICDS एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि बहुत ही वाइड कवरेज करता है. मतलब वो न्यूट्रिशन के साथ साथ आपके हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देता है, लाइक इम्यूनाइजेशन. ठीक है, इसके अलावा आपके हेल्थ एंड हाइजीन है, स्वास्थ्य संबंधी, शिक्षा संबंधी प्रशिक्षण भी वो प्रोवाइड कराता है. वो एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम है. ठीक है, ये कार्यक्रम भी बड़े हैं, लेकिन A.n.p अब ख़त्म हो चुका है, A.n.p अब नहीं चल रहा, ये कार्यक्रम अब बंद हो चुका है, लेकिन ICDS अभी भी आपके उसमर है, आपके चल रहा है वो कार्यक्रम. ठीक है, तो ये चीज़ आपको आई होप क्लियर हो गई होगी. चलिए अब A.n.p के बारे में बात कर लेते हैं. बहुत बहुत खोजने के बाद 1963 डेट मुझे इसकी सही लगती है. आप लोग भी एक बार अच्छे से रिसर्च कर लेना, इसको खोज लेना, इसकी जो डेट है कंफर्म कि ये कब चलाया गया था. तो ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा कहीं कहीं डिपार्टमेंट द्वारा सॉरी
नॉट प्रोग्राम, समुदाय विकास विभाग के द्वारा ये जो है 1963 में कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। कहीं पे आपके 58 दिया है, मैंने देखा दो तीन जगह, किसी बुक में कुछ दिया है, किसी बुक में कुछ दिया है, मुझे 63 सही लगा, क्योंकि मैंने जहाँ से पढ़ा है वहाँ 63 था। तो आप ये चीज़ एक बार क्लियर कर लेना कि ये कहाँ पर जो प्रोग्राम जो है इसकी एक्चुअल डेट यही है कि नहीं, हो सकता है कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। और इसके लिए जो फाइनेंशियल हेल्प दी गई थी, जो वित्तीय सहायता प्रोवाइड की गई थी इस प्रोग्राम के लिए, वो जो आपके अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं लाइक यूनिसेफ, ठीक है, WHO, इसके अलावा फूड आपका जो है खाद्य कृषि संगठन, वो प्रोवाइड करता था फाइनेंशियल हेल्प, ठीक है। क्योंकि कोई भी कार्यक्रम तो तभी चलेगा ना जब उसमें पैसा लगाया जाएगा। पैसा किसके लिए लगाना, क्योंकि इसका जो उद्देश्य था, जो ऑब्जेक्टिव्स थे, वो थे आपकी प्रेग्नेंट वुमेन, जो महिला गर्भवती है, क्योंकि इस समय उसको प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन की बहुत ज़रूरत है। आपको पता ही है, ये बात तो आप जानते ही हैं, बार बार पढ़ते ही हैं कि एक आपके फीटस का डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो उसके लिए उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए, उसके खुद की बॉडी के लिए भी उसको न्यूट्रिशन चाहिए। इसके अलावा जो लैक्टेटिंग मदर है, जो माँ बच्चे को दूध पिला रही है, स्तनपान करा रही है, उसके भी पोषण स्तर में सुधार लाना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा पूरी तरीके से माँ के ऊपर निर्भर है, उसकी जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है, वो पूरी तरीके से माँ के ऊपर निर्भर है। इसके अलावा चिल्ड्रंस, कौन सी एज के चिल्ड्रन, 3 to 6 ईयर्स के, ये जो ECE है, अर्ली चाइल्डहुड केयर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि इस समय बच्चे को सबसे ज़्यादा उसका जो डेवलपमेंट हो रहा होता है, जो ग्रोथ स्पर्ट पीरियड होता है, वो इस समय होता है। उसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रही होती है, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट चल रहा होता है इस समय, उसका फिजिकल ग्रोथ हो रही होती है, मेंटल डेवलपमेंट हो रहा होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा होता है। यहाँ पर अगर उसको प्रॉपर इन्वायरमेंट, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो फिर वो कुपोषित हो जाते हैं, लाइक क्वाश्रिको, लाइक मेरिस्मिस, लाइक गोइटर, बहुत सी दिक्कत हो जाती है, ठीक है, और आपने पढ़ा भी है। तो ये तीन जो हैं, ये इसके बेनिफिशरीज हैं, या मत समझ लीजिए प्रोग्राम के गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये प्रोग्राम किन के लिए चलाया जा रहा था। A.n.p. व्यावहारिक पोषण कार्यक्रम बोलते हैं हिंदी में इसको, इंग्लिश में अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम बोलते हैं, ठीक है ना आपके। तो चलिए ये बात क्लियर होगी। अब इस प्रोग्राम के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, वही बात आती है कि बॉडी बिल्डिंग फूड प्रोवाइड करना, मतलब जो शरीर में निर्माण करते हैं, जो शरीर में टिश्यूज का, सेल्स का प्रोडक्शन करते हैं, उनका निर्माण करते हैं, वैसे प्रोवाइड करना फूड, लाइक प्रोटीन रिच डाइट। इसके अलावा आपके प्रोटेक्टिव फूड प्रोवाइड करना, ठीक है, अंडा है, मछली है, दूध है, सब्जी है, फल, प्रोटेक्टिव क्यों, क्योंकि जिससे शरीर की इम्यूनिटी डेवलप हो, लाइक मिनरल्स और विटामिंस वाले, जिसमें आपके सब्जियां और फल आ जाती हैं, ठीक है। और इसके अलावा माता और जो बच्चे हैं उनको उन खाद्य पदार्थों का सेवन करने हेतु प्रोत्साहित करना, मतलब उन्हें करेज करना, मोटिवेट करना। इसके अलावा उन्हें न्यूट्रिशन की एजुकेशन प्रोवाइड करना। बहुत से लोग क्या होते हैं ना, न्यूट्रिशन का मतलब नहीं समझते हैं। अब हमने, आपने पढ़ा है, BSc कर ली, MSc कर ली, PhD कर रहे हैं फूड्स एंड न्यूट्रिशन के ऊपर, वी नोज कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ न्यूट्रिशन, क्या है, हमें पता है कि न्यूट्रिशन, कुछ लोग नहीं समझते इस चीज़ को, नहीं मानते, उनको तो जो मन में है वो वही करते हैं, फिर प्रोग्राम वो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ठीक है ना। तो उनको न्यूट्रिशन की वैल्यू समझाना कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो ये बीमारी बच्चे में होगी, ठीक है। जैसे कुछ लोग होता है जो कोलेस्ट्रॉल मिल्क होता है वो नहीं पीने देते हैं, उसको फिकवा देते हैं, जो माँ का पहला दूध होता है, आज भी कहीं गांव वगैरह में उसे नहीं पीने देते, काफ़ी सर्वेज में मैंने देखा है, उसे फिकवा देते हैं या उसको गंदा दूध बोलते हैं कि ये दूध तो अच्छा नहीं होता, पहला दूध ये चढ़ाया जाता है, जबकि वही तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब हम जानते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, हमें उसकी एजुकेशन मिली हुई है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों की उनको इम्पोर्टेंस करवाना कि नहीं, कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, पैदा होते ही बच्चे को वो दूध पिलाना है। अब तो सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी ये बात बोली जाती है कि नहीं, वो दूध बच्चों को पिलाना ही पिलाना है, वो बिल्कुल इतना रिच दूध है कि वो बच्चे को देना ही देना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, इसको न्यूट्रिशन एजुकेशन बोलते हैं। बेनिफिशियरीज की बात हम कर ही चुके हैं, कौन कौन बेनिफिशियरीज हैं, लाभार्थी कौन कौन है, 3 to 6 की उम्र के बच्चे, इससे ऊपर नहीं, इसके अलावा जो गर्भस्थ हैं, जो स्तनपान कराने वाली माताएं हैं, वो, ये कार्यक्रम उनके लिए बनाया गया था, ठीक है। अब इसके जो घटक थे वो क्या क्या थे, इसमें आपको प्रोटेक्टिव फूड के उपभोग को बढ़ावा दिया गया था, प्रोटेक्टिव फूड मतलब फल और सब्जी, उसका उत्पादन भी करना, मतलब प्रोडक्शन में भी सुधार लाना,
उसका प्रिजर्वेशन के तरीकों में भी सुधार लाना और फिर उसको जो है उपभोग को बढ़ावा देना, मतलब कि आपको तीनों चीज़ों पर उनको मोटिवेट करना है कि पहले तो आप ये सब्जी ये फल अपनी जगह उगाइए, इसको खाइए, इसको कैसे आप प्रिजर्व कर सकते हैं वो उन्हें बताना, इसके अलावा उनको खिलाना प्रोटेक्टिव फूड, ठीक है, वो लोग सब्जी नहीं खा रहे हैं तो नहीं, उनको खिलाना अच्छे से प्रॉपर, उनको ताज़े फल और सब्जियों के बारे में समझाना। इसके अलावा डेमोन्स्ट्रेशन फीडिंग, अब डेमोन्स्ट्रेशन फीडिंग क्या होती है स्टूडेंट्स, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इस कार्यक्रम का ये प्रमुख घटक है, प्रदर्शन आहार बोलते हैं इसे, ठीक है। अब प्रदर्शन आहार क्या होता है, इसमें क्या होता है, किसी भी कम्युनिटी से जो बेनिफिशरीज हैं, जो इस प्रोग्राम के बेनिफिशरीज हैं, मतलब जो लाभार्थी हैं, मतलब बच्चे और जो महिलाएं हैं, उनका ग्रुप बनाना, ठीक है, और फिर उनको बॉडी बिल्डिंग फूड्स, प्रोटेक्टिव फूड से बना भोजन खिलाना, और एक साल में लगभग 200 दिन तक ये पोषक आहार दिया गया भी है, ठीक है, प्रत्येक केंद्र पर, जो भी इसके सेंटर्स बनाए गए उस पर केंद्र पर। लेकिन उन्होंने देखा क्या कि केवल 20 से 30 ही लोग ये जो हैं आ रहे हैं और आहार प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ कमियां प्रोग्राम्स की भी रही, नियमित आहार केंद्र स्थापित ही नहीं किए गए, जो नियमित आहार केंद्र बनाने चाहिए, डेली उनको फूड प्रोवाइड करवाना चाहिए, वो किया ही नहीं गया, वो प्रावधान ही नहीं दिया गया, ठीक है, तो इस वजह से ये प्रोग्राम जो था फेल हुआ, इसके फेल्योर्स के कारण थे। अब हम बात करेंगे इसमें आपके इसके ऑर्गेनाइजेशन की, ऑर्गेनाइजेशन क्या था, जो ये कार्यक्रम था इसमें आपके कृषि विभाग सम्मिलित था, पशुपालन विभाग सम्मिलित था, स्वास्थ्य शिक्षा समाज कल्याण विभागों के प्रयास इसमें शामिल थे, ये सब सम्मिलित थे। पहले तो ये जो प्रोग्राम था ये आपके सेंट्रल लेवल द्वारा प्रायोजित किया जाता था, मतलब केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है, 200 मिलियन की लागत का प्रावधान किया गया था। फोर्थ जो फाइव ईयर प्लान था, चौथी पंचवर्षीय योजना जब थी आपके, जब आपके आई थिंक इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी फोर्थ में, तब आपके जो है सामुदायिक विकास खंडों में चलाया जा रहा था, कितने 1180 इतने खंडों में, इतने ब्लॉक्स में ये प्रोग्राम जो है 1180 ब्लॉक्स में ये प्रोग्राम चलाया जा रहा था। पांचवी पंचवर्षीय योजना मतलब फाइव ईयर प्लान, आप समझते हैं ना, फिफ्थ फाइव ईयर प्लान के लिए गवर्नमेंट बनती है, उसमें कई सारी योजनाएं बनाई जाती हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन जो था आपके, हरित क्रांति, कृषि का प्रोडक्शन होना, वो भी फोर्थ फाइव ईयर प्लान में ही आपके आई थिंक आया था, क्लियर कर लेना एक बार। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ, ये 700 से ज्यादा, मतलब 1180 से कम होकर 700 विकास खंडों में ये कार्यक्रम शुरू किया गया, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ, और न्यूट्रिशन प्रोग्राम बनाए गए, क्योंकि ये ज्यादा मतलब नहीं हो पा रहा था सक्सेस, और न्यूट्रिशन प्रोग्राम बनने लगे, लाइक बालवाड़ी है और भी है। उस चक्कर में क्या हुआ कि ये कार्यक्रम अब आज संचालित ही नहीं किया जा रहा है, इसका जो प्रसार क्षेत्र था, जो एक्सटेंशन था, इसका जो एरिया था वो कम हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं इसका रिजल्ट क्या आया, इसका रिजल्ट नेगेटिव मैंने लिख दिया है, मैं समझा रही हूँ, नेगेटिव नहीं है। इसमें क्या गया था, लोगों से अपेक्षा की गई थी कि युवक जो है, जो आज का यूथ है, उस टाइम पे गांव में जो यूथ है उसको हम सम्मिलित करेंगे, उसको जो है खाद्य, जो भी लोकल एरियाज में जो भी खाद्य पदार्थ अवेलेबल है, अब ये तो नहीं कह सकते ना यहाँ पे स्ट्रॉबेरी होगा, भाई स्ट्रॉबेरी होगी नहीं सकती है यहाँ पर, उसके लिए तो अलग सॉइल चाहिए, अलग फर्टिलिटी चाहिए, तो जो भी लोकल एरियाज में खाद्य पदार्थों का प्रोडक्शन हो सकता है उसके उत्पादन के वृद्धि के लिए उनको प्रशिक्षण देना, मतलब उनको ट्रेंड करना, ठीक है, कि किस तरीके से वो प्रोडक्शन कर सकते हैं, प्रोटेक्टिव फूड्स की पैदावार कर सकते हैं, बटाई कर सकते हैं, छटाई कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं, उसे शिक्षा प्रदान करना। गांव की ओर से मछली पालने के लिए देना, मुर्गी पालन उन्हें समझाना, प्रोत्साहित करना। अब गांव वालों ने क्या किया, दैनिक आहार का, जिससे वो उनके दैनिक आहार का हिस्सा बन जाए, भाई अब मुर्गी पालेंगे, मछली पालेंगे, अंडे होंगे तो खुद भी तो खाएंगे। लेकिन गांव वालों ने क्या किया, उनको क्या होता है, वो निर्धन होते हैं, उनकी भी मजबूरी होती है, उनकी सबसे पहली आवश्यकता होती है अपनी भूख मिटाना, अपने शरीर की ऊर्जा की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करना। अब गरीब परिवार है, अंडा और मांस या अंडा मुर्गी पालन के लिए उन्होंने अपना सारा पैसा लगा दिया, उन्होंने वो मुर्गी पालन का कार्य भी शुरू कर दिया, लेकिन उनकी आर्थिक कठिनाई इतनी थी कि वो क्या करते थे, वो खुद नहीं खाते थे, वो अंडे और मांस को बेच देते थे और अपने लिए वो वही सस्ता खाना ले आए खरीद के, या जो एनरिच नहीं है, न्यूट्रिशन रिच नहीं है, उसको वो खाते थे, ठीक है ना। ये इसके ड्रॉबैक्स आए, उनको ट्रेनिंग दी गई,
एंड मुर्गी पालन की, मछली पालन की, एग का, सब कुछ उन्हें सब उन्हें भाई ये लगा प्रोग्राम्स को कि जब ये एक मुर्गी पाल रहे हैं तो अंडे खुद भी कंज्यूम कर सकते हैं या जो मांस खा सकते हैं वो खुद भी मुर्गी खा सकते हैं, मछली खा सकते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने अपनी गरीबी है, उन्होंने सारा पैसा उसमें लगा दिया, तो उन्होंने खुद तो कंज्यूम किए नहीं। और ऐसा होता है, आज भी ऐसा होता है कि वो खुद कंज्यूम नहीं करते, बेच देते हैं और अपने लिए कुछ सस्ता मद्दा खरीद लेते हैं। तो जिस वजह से ये प्रोग्राम जो है आपके फेल हो गया। तो व्यवहारिक पोषण कार्यक्रम जो थे इसके सीमित प्रभाव हुए। तो भारत सरकार द्वारा चौथी पांचवी पंचवर्षीय योजनाओं में सुधार लाने हेतु और कार्यक्रम बनाए गए, इस कार्यक्रम को बंद कर दिया गया। और ये जो कार्यक्रम और चलाए गए वो कौन कौन से थे, आपके पूरक आहार कार्यक्रम थे जिसमें आपके वही मिड डे मील प्रोग्राम आया, विटामिन ए की कमी से जो मैंने आपको पढ़ाया है अनीमिया को रोकने संबंधी प्रोग्राम आया, ठीक है, ये सारे प्रोग्राम, स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम है आपके जिसको विशेष पोषण कार्यक्रम कहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, वो प्रोग्राम्स इसमें स्टार्ट हो गए। सो स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा ये प्रोग्राम। जो चीज़ मैंने सर्च करने के लिए बोली है उसे सर्च कीजिएगा, मतलब अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ऐड हो सकते हैं। आपकी अगर थोड़ी सी भी कृपा हो तो आप अगर पसंद करते हैं चैनल तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए, COVID-19 को हराना है हमारे देश से, यही हम सबका पहला ऑब्जेक्टिव है। ओके, सो बाय, कीप इट अप, पढ़ते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।